ओके हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट ग्लो। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चली फॉर ईएसई 2021, और इस सीरीज के अंदर हम इसरो और डीआरडीओ के ऊपर बात कर चुके हैं और डिफेंस के ऊपर ही बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको जो इंडिया की अपनी डिफेंस एक्सरसाइजेस जो इंडिया ने अपनी कोस्टल लाइंस को सिक्योर करने के लिए और जो इंडिया ने अपने रिमोट लोकेशन यानी कि जो हमारे आइलैंड्स दूर दूर तक हैं उसको सिक्योर करने के लिए एक्सरसाइजेस करी है, स्पेशली उनके ऊपर फोकस करा है अपनी अपने डिफेंस के लिए जो इंडिया खुद एक्सरसाइजेस कर रहा है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगा हुआ है वहाँ पे भी इंडिया ने कुछ एक्सरसाइजेस करी है, नेवल के अलावा भी, मतलब जो आर्मी ने करी है, ठीक है, और वहाँ पे भी हम आपको अपडेट देंगे। तो जो एक्सरसाइज इंडिया ने खुद करी है ना उसके ऊपर हम यहाँ पे इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। इसका सीरीज वन है, इसका सीरीज टू यानी कि इस लेक्चर का सेकंड पार्ट भी आएगा डिफेंस एक्सरसाइजेस का, तो आप यहाँ पे बने रहिए लगातार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में, बेटा मेरा नाम है अतुल वैश, आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं गेट इस और डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट आप लोग होने चाहिए। आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं यार कि हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। गेट ग्लोब से रिलेटेड आपको जो भी अपडेट चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी फैकल्टी आ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, मैकेनिकल के हों, ईसी के हों, किसी भी ब्रांच को, जैसा मैंने पहले ही बताया था सारे इंजीनियर्स का ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप सबके सब यहाँ पे आके आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑफकोर्स आगे मैथमेटिक्स भी लेकर के आऊंगा मैं जैसे आप बोलेंगे, और काफी सारा आपके लिए कंटेंट यहाँ पे लगातार आने वाला है, तो यहाँ पे जुड़ जाइए हमारे साथ फटाफट से, ठीक है। आप लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो बेटा आप फेसबुक पे आ सकते हैं, अतुल फॉर गेट पे आप सर्च करेंगे फेसबुक पे, आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं सीधा वहाँ पे। तो जो भी आपके सुझाव हैं, फीडबैक्स हैं, आपको जो पढ़ना है, ठीक है, और जो आपको जहाँ पे दिक्कत आ रही है, गाइडेंस चाहिए, आप मेरे से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज, ओके। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ठीक है, एक्सरसाइज पहली हमारे सामने आ चुकी है, सी विजिल, ठीक है ना, सी विजिल, विजिलेंस का छोटा रूप विजिल, ठीक है। क्या हुआ है, इंडिया ने एक्सरसाइज सी विजिल करी है। ये बेसिकली 2 दिन की कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज थी, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जो कि आपकी 12 और 13 जनवरी को करी गई है। इसमें क्या करा भाई, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि जो इंडिया की कोस्टल लाइन है ना, इंडिया की कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन यानी कि जो इंडिया के कोस्ट हैं, ठीक है ना, आप जानते हैं इतना अच्छा मैप नहीं बनाया मैंने, ठीक है, बट फिर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो इंडिया के कोस्ट है, इंडिया का मैप इतना खूबसूरत है मुझे कोई भी नहीं बना सकता, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, ऑफकोर्स ब्यूटिफुल इंडिया। चलिए, तो मतलब आप मेरे से बहुत लोग बना सकते हो यार, मेरे से नहीं बनता इतना क्लियर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं सिंपल कि हमारा यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है ना, ऑफकोर्स, और यहाँ पे हमारा ऑफकोर्स क्या है, यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल है। तो यार दोनों जगह पे यानी कि पूरी की पूरी कोस्टल लाइन पे यानी कि वेस्ट से लेकर के आपका ईस्ट तक आते हुए, साउथ जाते हुए ईस्ट तक आते हुए पूरी पूरी कोस्टल लाइन के ऊपर एक्सरसाइज करी गई है। ध्यान रखिएगा पूरी कोस्टल लाइन पे एक्सरसाइज करी गई है। इसका मेन मकसद क्या है कि भाई पूरी कोस्टल लाइन हमारी कितनी अच्छे तरीके से सेफ गार्ड है, कितना तैयार है, कितनी मेच्योरिटी के साथ हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कितनी मेच्योरिटी साथ, मतलब कि हमने अपने आपको डिफेंस कर रखा हमारी कोस्टल लाइन से, क्योंकि जो भी खतरा आएगा ना बेटा कोस्टल लाइन से आएगा। याद है ना पाकिस्तान से जब ये मुंबई में अटैक हुआ था तो ऑफकोर्स कहाँ से आए थे, टेररिस्ट, है ना, मुंबई में कहाँ से आए थे टेररिस्ट, यहाँ पे तो रहे थे मुंबई में आए थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी कोस्टल लाइंस को सेव करना। तो कोस्टल लाइन को सेफ्टी की जिम्मेदारी या फिर उसके आसपास जो सिक्योरिटी रखते कौन है, आप ऑफकोर्स यार हमारी क्या होती है, हमारी कोस्ट गार्ड्स। तो इस एक्सरसाइज में सबने पार्टिसिपेट किया था, किस तरीके से किया था मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका जो मीनिंग है इसका सी विजिल का, इसमें क्या करना है कि इट इंक्लूड द एंटायर कोस्ट लाइन, सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई ये इसमें सारी सारी कोस्ट लाइन को इंक्लूड करा गया था। एंड ईईजेड क्या है बेटा, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, हर एक कंट्री का थोड़ा बहुत जोन जो अपना आसपास का जो ओशन का इलाका है, समुद्र का इलाका होता है जो उसकी कोस्ट लाइन के आसपास का, जहाँ पे अधिकार होता है उस कंट्री को कि यार वहाँ के मछुआरे जा करके मछली को मार सकें या फिर और भी काम कर सकें, तो वो हमारे लिए एक स्पेशल जोन बन जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। तो उसकी सेफ्टी के लिए भी ऐसे एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ताकि वहाँ पे पीस रहे। एंड जाहिर सी बात है यार, जब वॉर का टाइम है तो पीस से वॉर में स्विच करने में टाइम ना लगे, ठीक है ना, पीस टू वॉर टाइम के अंदर ये एक्सरसाइज मतलब एकदम से उसको उस मोड में स्विच करने के लिए इस एक्सरसाइज को करा जाता है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। नाउ द एक्सरसाइज इन्वॉल्व डिप्लॉयमेंट ऑफ द एंटायर कोस्टल सिक्योरिटी, जितनी भी कोस्टल सिक्योरिटी है ना सबको लगा दिया गया भैया, कि बताओ जरा कैसे आप मुश्किल वक्त में किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। तो उसको लगाया गया, एंड ऑफकोर्स मोर देन 110 सरफेस एसेट्स ऑफ द इंडियन नेवी भी आई भैया यहाँ पे, आई है इंडियन नेवी भी आई है, एंड ऑफकोर्स कोस्ट गार्ड भी आए हैं। तो हेलीकॉप्टर लगे थे, शिप्स लगे थे, वेसल्स लगे थे, सब कुछ लगा हुआ था यहाँ पे सिक्योरिटी करने के लिए, देखने के लिए कि हम कितनी तरीके से कितने अच्छे तरीके से हमने डिफेंस कर रखा है, हम कितने अच्छे तरीके से तैयार हैं।
तो क्या हुआ यार, एक लार्ज नंबर ऑफ मरीन यार क्या कहते हैं पुलिस भी थी यहाँ पे, ठीक है ना, और कस्टम एसेट्स भी थे यहाँ पे जो डेवलप हुए थे, जो कि जिनको सॉरी डेवलप किया ना डिप्लॉय किया गया था यहाँ पे कोस्टल्स पे। तो बेसिकली एंटायर कोस्ट लाइन को उसने कवर करा, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड यहाँ पे, एयरक्राफ्ट इनके यहाँ पे रहे, हेलीकॉप्टर्स रहे, अलग अलग शिप्स रहे, वेसल्स रहे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए यार सबकी, सबने मिलकर प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या हुआ यार इनका आपस में कोलैबोरेशन भी बढ़ा है। तो याद रखेंगे विजिल एक्सरसाइज है ना, सी विजिल विजिलेंस के लिए करेंगे एंटायर कोस्ट लाइन के ऊपर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं यार, नाउ दिस इज समथिंग सो मच इंपॉर्टेंट यार, ट्रॉपेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ट्रॉपेक्स। याद रखेंगे ट्रॉपेक्स 2021, ये हर साल ही होती है, 2005 में शुरू हुई थी आई थिंक, हाँ बिल्कुल, और शायद 2016-2018 में नहीं हुई, बाकी तो ये लगातार लगातार होती हुई आई है लगातार, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी अर्ली जनवरी हर साल होती है, और अर्ली जनवरी 2021 में इसको कमेंस करा गया 3 वीक के लिए, है ना, एंड एंड इन द थर्ड वीक ऑफ फेब्रवरी, ठीक है, तो फेब्रवरी के तीसरे वीक में खत्म हुआ था ये, ठीक है। अब ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, इसी एक्सरसाइज का पार्ट है बाकी सब एक्सरसाइज, याद रखिएगा, ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, इसी एक्सरसाइज का पार्ट है बाकी की सारी एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है यार, ये एक थिएटर लेवल की ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज है ट्रॉपेक्स, क्या नाम है इसका, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। ये देखती है कि भैया हम कितने ज्यादा तैयार हैं एक वॉर के लिए भी, अगर एकदम से हमारे सर पे कोई वॉर लाके रखा, हम तो नहीं करते वॉर, कोई अगर लाके रखता है हम कितना तैयार हैं। सो ये बेसिकली एक इंटर सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि यहाँ पे आपकी नेवी भी आएगी, मिलिट्री भी आएगी, सबके सब आएंगे यहाँ पे, इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, सबके सब आ रहे हैं। तो जब सब आ रहे तो कोस्ट गार्ड कहाँ पीछे रहेंगे, अभी देखा ना पीछे जो हमने देखा विजिल, एक्चुअली में वो विजिल भी इस टॉपिक्स का ही पार्ट है, ठीक है, अभी आगे इसमें चीजें आएंगी, समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही। तो यानी कि इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है, एयरफोर्स भी इन्वॉल्व हो गई, नेवी भी इन्वॉल्व होगी, कोस्ट गार्ड भी इन्वॉल्व हो गया। एक्चुअली में क्या था, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे यार विजिल के बारे में, तो जो सी विजिल था वो एक्चुअली में शुरुआत थी, है ना, वो एक्चुअली में कोस्टल एरिया को सिक्योर करने का, जब भी वॉर शुरू होती तो क्या करते थे, पहले कोस्टल एरिया पहले अपनी सिक्योरिटी करो, डिफेंस करो, उसके बाद फिर अटैक की तैयारी करो। तो एक्चुअली ट्रॉपेक्स को मतलब ट्रॉपेक्स उसका अगला लेवल है, शुरुआत विजिल से हो रही है, उसके बाद फिर ट्रॉपेक्स, विजिल और ट्रॉपेक्स को आप एक साथ देख सकते हो, विजिल एक छोटा पार्ट है ट्रॉपेक्स का ही है, जो ट्रॉपेक्स के अंदर ही आता है, मतलब एक ट्रॉपेक्स एक बड़ा डोमेन आप देख सकते हो जिसके अंदर विजिल आ रहा है, और विजिल शुरुआत करता है, फिर उसका ट्रॉपेक्स, अब हम अटैक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, अपने डिफेंस, हमने अपना डिफेंस तैयार कर लिया, अब हम जा रहे हैं अटैक की तरफ। तो उसमें हो क्या रहा है कि सारी की सारी हमारी जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, वेदर इफ इट इज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सबके सब आ जा रहे हैं इसके अंदर, एंड दिस एक्सरसाइज जनरली कमेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एंड लास्ट मंथ, ठीक है ना, शुरुआत में होती है, यानी कि जनवरी में ही होती है, और एक महीने के लिए अप्रोक्सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्सरसाइज जो है यार डिजाइन करी गई है किस चीज के लिए, टू टेस्ट द कॉम्बैट रेडीनेस, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, पहले तो विजिल से क्या कर लिया, डिफेंस कर लिया, और अब कॉम्बैट के लिए हम कितने तैयार हैं उसको देखने के लिए एक्सरसाइज तैयार करी गई है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, कॉम्बैट रेडीनेस को ही चेक करता है, एंड ऑफ कोर्स एज वेल एज द, इसमें सबका सब भाग लेते हैं यार, नेवल यूनिट्स होगी, एयरफोर्स हो गया, आर्मी होगी, तो सबके सब, क्योंकि जब देश पे खतरा आएगा और जब कहीं पे अटैक करने जा रहा है, तो सबका जो आपस में कोलैबोरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। और ये ऑपरेशंस जब हम कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में करते हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे आने वाले खतरों से बचाव के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये ट्रॉपिक्स के बारे में समझ गए यार, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं एम्फेक्स, एम्फेक्स भी समझ गए होंगे, उसी का पार्ट है, ट्रॉपिक्स का पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या है, ये भी जैसे ट्रॉपिक्स भी आपकी ट्राई स्केल सर्विस ज्वाइंट, जैसे ट्रॉपिक्स जो आपकी ट्राई स्केल के था ना, वहाँ पे मतलब कि आपकी आर्मी थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, यहाँ पे भी क्या आपकी एक लार्ज स्केल की ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है एम्फेक्स आपकी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे भी तीनों सर्विसेज हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व होंगी, और बेसिकली ये कहाँ पे करी गई, वॉज हेल्ड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो भाई सिर्फ इंडिया के मेन लैंड को नहीं बचाना है, हमने जो इससे पहले एक्सरसाइज करी सी विजिल, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ जो इंडिया का मेन लैंड था ना, मेन लैंड था, उसको बचाया। इंडिया के और आइलैंड्स भी है ना, जानते हो ना, ऑफकोर्स क्या है यहाँ पे भैया, अंडमान निकोबार, ठीक है ना, मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, बट ऑफकोर्स समझ गए होंगे यार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है हमारे, तो उनकी भी सिक्योरिटी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ये एक्सरसाइज करी जाती है एम्फेक्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, कि भाई वॉर के टाइम पे या फिर जब वॉर आने वाली है सर पे, तो उन आइलैंड्स को कैसे सिक्योर करा जाए तीनों वेज में, मतलब कि तीनों ही हमारी डिफेंस फोर्सेस की हेल्प के साथ। तो द एक्सरसाइज इन्वॉल्व द
पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रूप्स ऑफ इंडियन आर्मी नेवी एंड ऑफकोर्स एज वेल एज द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है ना। तो ये हुई थी ज्वाइंट फोर्स एक्सरसाइज, कहाँ पे हुई थी आपकी, अंडमान सी में, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी में बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये आपके एफएक्स एक्सरसाइज बता रही है कि आप भाई अपने जो आइलैंड्स हैं ना हमारे, सिर्फ अंडमान निकोबार नहीं और भी आइलैंड्स हैं अपने, उनको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो इसी बात पे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स लगातार, भले ही शायद लेक्चर लाइव नहीं है, मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए कि यार कौन सी ऐसी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे रिमोट स्पीसीज है ह्यूमन की जो रहती है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, है ना। सुना होगा नाम आपने, मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत स्पेशल है ना। एंड ऑफ कोर्स इंडिया का, चलो ठीक है ये तो बता दूंगा एक चीज में कि इंडिया का सिर्फ एकमात्र जो आपका एक्टिव वॉल्केनो है वो भी आपका इन्हीं आइलैंड्स में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बॉस। तो जो एक्सरसाइज एम्फेस थी, इसका एम क्या था, ये एम था कि वैलिडेटिंग इंडियाज कैपेबिलिटी टू सेफ गार्ड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इट्स आइलैंड टेरिटरीज, यानी कि जितने हमारे आइलैंड टेरिटरीज हैं उसको हम सक्षम है सेव करने में, ये चीज दिखाने के लिए दुनिया को, और इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए ये एक्सरसाइज करी गई थी। क्लियर, समझ में आया, क्लियर समझ में आया। नाउ द मेन पॉइंट इज, अगला पॉइंट आ रहा है, द एक्सरसाइज कवच फॉर द डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एम्फेक्स 21। तो एम्फेक्स 21 एक बड़ा पार्ट, उसके अंदर एक एक्सरसाइज और आ रही है, अगली एक्सरसाइज जो हमारी है कवच, जो कि स्पेसिफिकली अंडमान एंड निकोबार को सेव करने के लिए थी ये एक्सरसाइज जो होती है, तो ये एम्फिक्स का एक पार्ट है। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिएगा नेवी के हेलीकॉप्टर्स हैं, आर्मी भी है यार, सब कुछ तो है, नीला नीला समुंदर भी है। क्लियर, चलिए तो आगे चले भाई। तो अगली एक्सरसाइज हमारी इंडियन आर्मी ने करी है, वो क्या है, वो है कवच, कि भाई हमारी जो टेरिटोरियल, जो हमारी टेरिटरीज है, हमारी जो आइलैंड वाली टेरिटरीज है, यानी कि स्पेशली अंडमान निकोबार, उसको सेव करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा था, जिसका नाम है कवच, अंडमान सी के अंदर बे ऑफ बंगाल के अंदर इसको करा गया था। इट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द एम्फिक्स 21 ट्राई सर्विस, इसका ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कवच, जिसमें स्पेशली अंडमान निकोबार आइलैंड्स को सेव करना था। द मिलिट्री एक्सरसाइज एम टू फाइन ट्यून द कैपेबिलिटीज ऑफ द थ्री सर्विसेज इन सेफ गार्डिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इट्स आइलैंड टेरिटरीज। अगेन पहले क्या करा, तीनों हमारी आर्म फोर्सेस को जो मेन आइलैंड था उसको सेव करने के लिए क्या था, सी विजिट अटैक करने के लिए। फिर हमारे पास अगली एक्सरसाइज आई, हमारी जो टेरिटोरियल्स हैं, हमारे आइलैंड्स हैं, उसको सेव करने के लिए हमारे पास अगली एक्सरसाइज आई। एंड फाइनली वहां पे जा करके आर्मी डिप्लॉय करने के बाद उसको पूरी तरीके से सिक्योर कर देने के लिए है कवच एक्सरसाइज। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। इट इज ऑल्सो इंटेंडेड एट एनहेंसिंग रिस्पॉन्स टू ऑपरेशनल कॉम्बैट सिचुएशन एंड सिनेरियोस। जो ऑपरेशनल कॉम्बैट होते हैं, क्योंकि ये जो है ना स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार आइलैंड्स वगैरह। ऐसे ही एक आइलैंड था जो कि अमेरिका से तो खैर बहुत दूर है, अमेरिका का एक आइलैंड था जिसके ऊपर आई थिंक सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान ने अटैक किया था, है ना, और जिसकी वजह से अमेरिका को कूदना पड़ा था वॉर के अंदर। उस आइलैंड का नाम लिखना, मतलब बहुत बड़ा आइलैंड था यार, ऑफकोर्स जापान के आसपास ही है, बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। तो आइलैंड्स कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप जानते हैं, तो उस आइलैंड पे अटैक के बाद अमेरिका को आना पड़ता है। ऐसे इंडिया के लिए अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ दिस ड्रिल वाज कंडक्टेड अंडर द अंडमान एंड निकोबार कमांड, और ऑफ कोर्स यार जितनी हमें सदर्न कमांड्स थी, आप देख सकते हैं कि मतलब केरला का यहाँ पे है शिप, तो जितनी भी हमारी सदर्न कमांड्स हैं और आर्मी की सदर्न कमांड्स हैं, ये इसमें इन्वॉल्व थी, और आर्मी नेवी और एयरफोर्स तो इन्वॉल्व था ही था, कोस्ट गार्ड भी इन्वॉल्व था, ठीक है। तो ठीक है, अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं हम यार, वो है हमारी बीएसएफ। फाइनली यार समुंदर से वापस आ चुके हैं जमीन के ऊपर, और अगली एक्सरसाइज हमारी बीएसएफ ने जो करी है सर्द हवा, ठीक है, इसको याद रखना और भी आसान है। सर्द हवा कहाँ पे चली, सर्द हवा चली आपकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर के अंदर, हमारे रेगिस्तानों में। एक्चुअली हमारे जो वेस्टर्न, हमारे जो लगता है बॉर्डर लगता है, हमारा कोस्ट नहीं बॉर्डर लगता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ जो वेस्टर्न बॉर्डर लगता है, स्पेशली राजस्थान का जो इलाका है हमारा, वहाँ से जो है पाकिस्तान लगातार आतंकवादी भेजना या ऐसी गतिविधियों में लगातार इन्वॉल्व रहता है। तो वहाँ पे जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसका नाम क्या है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये वहाँ पे लगे रहते हैं यार, लगे हुए दिन रात यहाँ पे हमारे प्रहरी खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे सेफ हैं। और ये लोग ने एक्सरसाइज करी है वहाँ पे, जिसका नाम है सर्द हवा। एक्चुअली में जब 26 जनवरी था, ठीक है ना, रिपब्लिक डे हमारा, तो उससे पहले एक्सरसाइज करने के लिए हमेशा हर साल ही होती है ऑलमोस्ट, इसको 26 जनवरी से पहले पहले करते हैं सर्द हवा। इन सेंस उस टाइम फॉग बहुत गहरी होती है यार, है ना, 26 जनवरी से पहले पहले, मतलब जनवरी टाइम में फॉग बहुत गहरी होती है, 26 जनवरी में कुछ बाधा ना आ पाए
और ऑफ कोर्स जो हमारे अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं वो चाहते हैं कि बाधा आए, तो वहाँ से कुछ अच्छा अच्छा सामान भेजा जाता है हमारी तरफ उसको रोकने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्सरसाइज करी जाती है सरदवा। ठीक है, याद रखना सरदवा कहाँ पे चलती है, रेगिस्तान में। तो इस तरह से चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स याद भी रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो फॉग गहरी हो जाती है ना, तो उसमें से किस तरीके से जो देखो ये लगी हुई है, वैसे तो लगातार ये फेंस लगे हुए हैं कई जगह पे, अगर नहीं भी है तो फिर वहाँ पे ऊँटों पे बैठ करके हमारे जवान, या फिर गाड़ी में जा करके, या फिर पैदल ही लगातार विजिलेंस करते हैं, लगातार देखते हैं कि भाई कोई भी यहाँ से मतलब कि जो है ट्रेटर यहाँ पे आ ना पाए, मतलब इन द सेंस कोई भी आवाजाही यहाँ पे हो ना पाए बेसिकली। तो ये था हमारा सरदवा जो कि आपका 28 जनवरी तक चला। ठीक है ना, तो 26 जनवरी के लिए इसका स्पेशल इसको स्पेशली करा जाता है ताकि कुछ भी 26 जनवरी में जो हमारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, रिपब्लिक डे के दिन कुछ भी बाधा ना आ पाए। तो वेस्टर्न जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर, ऑफकोर्स पाकिस्तान के साथ भी लगता है, वहाँ पे इस एक्सरसाइज को किया गया है ताकि कोई भी अनचाह तत्व हमारे तक ना आ पाए, जो कि करा गया है BSF से। तो बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि BSF का चीफ कौन होता है भाई। ठीक है ना, IPS ऑफिसर ही होता है। ठीक है ना, तो BSF अर्धसैनिक बल है, और BSF के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो बताइएगा, इसके ऊपर और भी हम बात करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट थी, तो ठीक है आज के लेक्चर में यही एक्सरसाइजेस, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा भाई। ठीक है ना, सेकंड पार्ट भी इसका आएगा जहाँ पे मैं आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यानी कि इंडिया ने इंटरनेशनली किस किस के साथ अपनी डिफेंस एक्सरसाइज करी उसके बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए जो कल ही आएगा यार, रोज रात को 9 बजे हम लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं, कल को नहीं अल्लाह पाए थे, लेकिन ऑफकोर्स मोस्टली टाइम यही है हमारा रात को 9 बजे हमारे लेक्चर स्ट्रीम होते, तो ये 9 बजे का टाइम अपना ब्लॉक कर लो, फिक्स कर लो, रोज को हमारे साथ यहाँ पे बन जाना है आपको। लाइक और शेयर करना मत भूलना यार, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो। ऑफकोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, मैं देख रहा हूँ यार बच्चे वीडियोज देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब कुछ है, बट सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, कम ऑन सब्सक्राइब करो, इसी से मोटिवेशन बढ़ रहा है हमारा। ठीक है ना, तभी हमें और मोटिवेशन मिल रहा है आपके लिए, कितना अच्छा सारा कंटेंट देकर के आना है यार, मैकेनिकल का, EC का, इलेक्ट्रिकल का, सारी ब्रांचेस का, सिविल का, तो सब फैकल्टीज के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं सबसे बात भी तभी करता हूँ ना जब इस पर बच्चे आएंगे, सब्सक्राइब करो फटाफट से ताकि और भी लोग आए, जल्दी जल्दी शेयर करो इसे हर जगह पे ताकि आप लोग आओ और हम लोग आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आ सके प्रोफेशनल वे में, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। फाइनली इसके PDF वगैरह आपको मिल जाएंगे, कहाँ पे मिलेंगे PDF आपको, YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको मेरा प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, किसका, मेरा भी, एंड ऑफकोर्स आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ESCGS जुलाई 2021, वहाँ पे आपके नोट्स अपडेट हो जाएंगे। इस लेक्चर के बाद आपका टेस्ट भी है GS का, जो कि आपका चलेगा वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है उस ग्रुप पे, आप जानते ही, तो उस ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।